आई थिंक जो शूट है वो हमारा बहुत फन स्पेस में हो रहा है फिलहाल, बिकॉज थोड़ा बहुत जितना आपने हमारी टीजर्स में देखा होगा, एक थोड़ी बहुत नोकझोंक भी है हम दोनों में, तो वो सीन्स करने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को देखने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड बाकी इससे ज़्यादा जैसे आपने बोला पिक्चर अभी बाकी है, तो उसके लिए आपको पिक्चर ही देखनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। बिल्कुल, देखिए शूटिंग तो शुरुआत जिस तरह हुई है, हमारी जो टीम फॉर्म हुई है बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि हर कोई इतना एंथुजियास्टिक है अपने रोल को लेके। और हमारा जो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि ये एक एक्ट्रेस हैं और इनके सीन्स जो लिख के आते हैं वो, और जो मेरे रिएक्शंस लिख के आते हैं या जिस तरह वो प्ले आउट हो रहे हैं, और जिस तरह दीपिका अपने सोनाक्षी और पार्वती के डिफरेंस को परफॉर्म भी कर रही है, वो देखने में ही इतना मज़ा आ रहा है। जैसे कि आपने एक ट्रेलर में सीन देखा होगा जहाँ ये चिल्ला रही है टीवी पे और ये खाना खा रहा है, वो मैंने पूरा देखा है पहले, बैठ मैं सिर्फ देख रहा था वो बैठ के, तो मुझे डायरेक्टर ने आके बोला कि ये देखने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी एक्टिंग के लिए, ये इसीलिए लगाया ताकि तुम्हें क्यों मिले। तो मैं बोला हाँ, तो वो इतना देखते हुए हमें मज़ा आ रहा है, पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है, तो आई एम श्योर आप सबको शो जब ऑनर आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ओके करण, जैसे कि यू नो अभी पैनल डिस्कशन हो रहा था, तो जैसे कि सब डॉक्टर्स ने कहा कि डॉक्टर्स को थोड़ा खड़ूस होना पड़ता है, वैसा दिखाना पड़ता है, आपके लिए कोई डिफिकल्टीज हुई कि वैसा खड़ूस बनने में? देखिए खड़ूस तो मैं हूँ नहीं, पर लगता हूँ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। But I think by the end of this show, ये खड़ूस बन चुके हैं। दीपिका का एक बहुत अच्छा स्वीट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था कुछ दिन पहले जब हम शूटिंग कर रहे थे। दीपिका ने मुझे देखा, मैं कुछ ऐसे ही देख रहा था सेट पे, आजकल ये ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही वो उसकी माता तनाव रहता है उसका, तो मुझे बोलती ये शक्ल रोहित के लिए बनाई है या ऐसी ही है? So we all will wait. Yeah. बट सरप्राइजिंगली इनिशियली मेरे लिए ईजी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं इतना नेचुरली मैं प्ले करने की आदी नहीं हूँ। सो हम जिस स्पेस में ये शो शूट कर रहे हैं, दैट इज वेरी नेचुरल, वेरी मी, वेरी रिलेटेबल, तो वो थोड़ा अनलर्न करके ये लर्न करने में मुझे वक्त लगा। बट काफी डिफिकल्ट चीज होती है, मतलब ये ऑब्वियसली कह नहीं रही है आपसे, लेकिन क्योंकि एक तरफ ये एक आउट एंड आउट सोप स्टार प्ले करती हैं, और जैसे ये कह रही है अभी आपने कहा कि ये शी इज़ प्लेइंग हरसेल्फ, लेकिन टू प्ले योरसेल्फ इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि अगर मुझे कोई बोले प्ले योरसेल्फ तो मुझे नहीं पता मुझे अच्छा रहना है बुरा रहना है, मैं तो नहीं डिसाइड करके आता हूँ कि मैं यहाँ पॉज लेके आपको ये बोलूँ, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, और बहुत बखूबी कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, काफ़ी हम रीडिंग्स हमने काफ़ी की थी, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस जो है वो बहुत ही एक एक्सटेंसिव साइंस है, और थोड़ी सी नॉलेज रखना या उसके वर्ड्स को फ्लुएंटली बोलना, और एक एफर्टलेसनेस रखना अपनी बॉडी लैंग्वेज में, एक छोटी सी चीज़ है जैसे ये अटायर है या स्टेथोस्कोप है या कैप है या ये स्क्रब्स होते हैं, तो वो काफ़ी नए होते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपको आदत नहीं होती, तो वो सब चीज़ें जानना। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, क्रिएटर हैं संदीप सिकंद, उन्होंने इतना एक्सटेंसिव काम किया हुआ है हम right. सबके कैरेक्टर्स के, आप उनके साथ बस बैठ के बातें करेंगे ना, आपकी वर्कशॉप उसी में हो जाएगी। आई थिंक संदीप की वजह से हम सब के लिए शो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड थोड़ा मैं बोलूँगी ईजी है, क्योंकि उन्होंने इस हद तक का होमवर्क किया है ना, बिल्कुल, कि उन्होंने हमारे लिए ढांचा बना दिया है, हमको सिर्फ जाके उसमें खुद को फिट करना है। और संदीप ऐसा है ना, सुपर, वो जेन्युइनली खुद एक्टर भी हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर, अच्छा एक्टर है। तो जब वो आपको आपका सीन पढ़ के या परफॉर्म करके दिखाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है अरे ऐसा हाँ। मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा यार, करेक्ट, तो काफी अच्छा कर रहे हैं। ओके दीपिका, आल्सो यू नो बिग बॉस के बाद थोड़ा सा समय लगा लिया, वाज दिस द प्रोजेक्ट दैट यू वाज वेटिंग फॉर टू प्ले द काइंड ऑफ? एक्चुअली समय इसी के इंतजार में गया है, बिकॉज मैं बाहर निकली एंड आई वाज इन अ चिलिंग मोड, तो संदीप का फ़ोन आया एंड आई वाज लाइक हाँ ओके ठीक है करते हैं, तो मैं गई एंड आई वाज नॉट इन अ हरी कि मैं कुछ लूँ, एंड ये शो ऑफर हुआ था, फिर हमने एक लुक टेस्ट किया, देन मैं आराम से वेट कर रही थी एंड हो गया। सो ऐसे कुछ प्लान करके नहीं हुआ, जस्ट हैपेंड, आई थिंक डेस्टिनी। शोएब को प्रोमो दिखाया नहीं, वो हर चीज़ सबसे पहले देखते हैं, ही इज़ वेरी एक्साइटेड, बिकॉज हम सब फॉर दैट मैटर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं इस शो में बहुत फ्रेश लग रही हूँ एंड
एज शी सेड मैं बहुत नॉर्मल स्पेस में हूँ, तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। शो इज डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये शो ऑनर हो। कितनी स्वीट है आप, दुष्ट है। नहीं, मेरा मेरे ब्रेकअप उल्टा होते हैं कि इसके पास बहुत टाइम है भाई, ये पूरा टाइम यही बिता रहा है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अभी तक, तो जी होगा तो आई एम श्योर आपको तो पता चल ही जाएगा। एक्चुअली नहीं, बिकॉज जैसा हम दोनों एक्टर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे की स्पेस अच्छी तरह से समझते हैं। कई बार शोएब शूट कर रहे होते हैं तो ऐसे होता है कि उनको भी टाइम नहीं मिल पाता, तो बीइंग इन द सेम प्रोफेशन चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, आई एम श्योर दीपिका इस बात से पूरी तरह रिलेट करती हैं कि अगर आप किसी को बोलें कि नहीं एक्सटेंड हो गई क्योंकि कल का टेलीकास्ट है और ओएस बचा हुआ, तो अब मैं एक नॉर्मल इंसान को बोलूंगा तो बोलेगा वो समझेगा नहीं, कास्ट आर्ट शूट कर रहे हो तुम लोग, व्हाट कैसे होगा। करेक्ट। अब एक एक्टर समझ जाता है, खासकर एक टेलीविजन एक्टर, कि ओएस बचा हुआ है उसको 15-20 मिनट और लगेंगे वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो इंटरेक्शन आई एम श्योर इन लोगों का एक अच्छे दर्जे पे होगा, जिसकी वजह से तो बहुत नॉर्मल हो जाती है चीजें, बिकॉज़ आप ओके सो लास्टली जाते-जाते हमारे ऑडियंसस को बता दीजिए कब से हमको, हम तो आते-आते बताएंगे, आप जाते-जाते बताइए। सो हम ये बहुत ही फ्रेश सी एक लव स्टोरी, बहुत ही अलग एक हम चीज़ आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं, एंड जितना अब तक आपका रिस्पॉन्स है, सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू गाइस। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के एडिट्स एंड आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आप हैं तो हम हैं, अब तक आपने बहुत प्यार दिया है। सो 17th से दोबारा से अपनी प्यार की बौछार कीजिए, एंड प्लीज़ वॉच अस ऑन स्टार प्लस 9 बजे, कहाँ हम कहाँ तो। Thank you so much. Thank you.